महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार अब चारों तरफ से घिर चुकी है और कभी भी सत्ता हाथ से जा सकती है। पार्टी में तमाम विधायकों की बगावत के बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत फिर सामने आए हैं। राउत ने कहा कि पार्टी के 12 विधायकों ने बगावत की है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि उनके नेताओं को धमकियां दी जा रही हैं। इसका आरोप उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री पर लगाया है। राउत ने कहा कि अगर सरकार बचाने की कोशिश हुई तो शरद पवार घर नहीं जा पाएंगे। संजय राउत ने मीडिया के सामने आते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी, संख्या बल कागज पर ज्यादा हो सकता है। सरकार कब बनेगी भी या नहीं पता नहीं। राउत ने आगे कहा कि शरद पवार को भी धमकियां दी जा रही हैं, केंद्रीय मंत्री धमकियां दे रहा है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुवाहाटी में शिवसेना को बागी विधायकों के साथ मौजूद शिंदे ने 37 विधायकों के हस्ताक्षर की हुई चिट्ठी को डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधान परिषद के सचिव राजेंद्र भागवत को भेजकर महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया है। हालांकि डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने अब तक 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि शिवसेना के 37 से ज्यादा विधायक उनके पाले में हैं, जिससे सरकार के अलावा खुद शिवसेना भी टूटने की कगार पर है। इस बीच शिवसेना की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में खुद सीएम उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ये देखना बाकी है कि इस बैठक में कितने शिवसेना नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। INS रिपोर्ट।